लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया शर्मा। आइए नजर डालते हैं अब तक की ताजा खबरों पर। इंदौर आए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि किसी भी हालत में एनआरसी अव्यवहारिक है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह अव्यवहारिक है और काला कानून है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस बिल को लेकर हिंसा भड़क रही है, गैर कांग्रेस राज्य में भाजपा हिंसा भड़का रही है। इस दौरान उन्होंने भूमाफियों पर कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री और कांग्रेस सरकार को बधाई भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। और 11 साल लगे, 1600 करोड़ रुपए, अब उस हालात एनआरसी को कैसे मंजूर कर ले, इसका हम लोग विरोध करते हैं। काला कानून आपने निश्चित तौर पर जो देश के नागरिकों का हक छीन और देश के नागरिकों से कहे कि तुम प्रमाणित करो कि तुम देश के नागरिक, उसके बारे में क्या कहा है। देश में जिस तरह के हालात है, क्या लगता है आपको कि ये सरकारों को सहमति लेना चाहिए थी उनके विकास के लिए? बात ये है कि किसी भी राज्य से इस बारे में चर्चा नहीं हुई। बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेज दी, हमारी मांग थी, उसको सेलेक्ट कमेटी में नहीं भेजा गया। केवल बहुमत के आधार पर लोगों को दबाव डालकर बिल पास कराया गया। भारत में विकास चाहते हैं, सभी भारतीय संविधान में सभी ज्ञान है, भारत के संविधान में विश्वास होना चाहिए और सरकार को भी विश्वास पैदा करना चाहिए। सरकार ने जो अभियान चला रखा है माफियाओं के खिलाफ, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ मंत्री जी को। पूरे देश में यहाँ इस सरकार ने सरकारी जमीनें बिना मंजूरी के निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की भैया, और इसका पूरा समर्थन। देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।